Dear students, this video is for grade 3, subject EVS, chapter States of India. Rajasthan is the largest state. Rajasthan jo hai wo sabse bada raj hai as per area, while Goa is the smallest state. And Goa jo hai wo sabse chhota sa state hai. Uttar Pradesh is the most populated state, while Sikkim has the lowest population. Means, jo sabse zyada log rehte hain, वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं. सो उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, वाइल जबकि सिक्किम हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन. जबकि सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, सबसे कम लोग सिक्किम स्टेट में रहते हैं. अमंग द यूनियन टेरिटरीज द अंडमान एंड द निकोबार आइसलैंड आर द लार्जेस्ट. यूनियन टेरिटरी की बात होती है. देयर आर यू नो देयर आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज. इसमें से अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, वाइल लक्षद्वीप हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन एंड इज़ द स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑल्सो. लक्षद्वीप जो है यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है. अमंग द यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन एंड दिस इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट आइसलैंड ऑफ इंडिया. इंडिया इज़ डिवाइडेड इन टू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन. मीन्स देयर आर इन इंडिया देयर आर सो मैनी लैंग्वेजेस स्पोकन एंड इंडिया इज़ डिवाइडेड इन टू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. मीन्स भाषा के ही आधार पर इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो बांटे गए हैं. अ पर्सन फ्रॉम पंजाब स्पीक्स पंजाबी. जैसा जानते हैं पंजाब इज स्टेट एंड इन द पंजाब जनरली पीपल स्पीक्स पंजाबी. Likewise, a person from West Bengal speaks Bengali. जो person West Bengal state में रहते हैं they speak Bengali, वो बंगाली भाषा बोलते हैं. And people from Andhra Pradesh speak Telugu. The person who lives in Andhra Pradesh, he speaks Telugu. So the people of India speak different languages, have different customs, eat different kinds of food and wear different clothes. Generally, India is divided on the basis of language, but India has different customs also. In every state there are different custom and also they eat different kind of food. Alag alag state mein alag alag tarah ke khana, alag alag tarah ke custom bhi hain and also they wear different type of clothes also. Har ek स्टेट में कुछ ना कुछ खासियत होती है. उनके उनके जो ड्रेस हैं पहनने का तरीका है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर. येट वी आर ऑल यूनाइटेड एज इंडियन एज वी ऑल बिलोंग्स टू दिस कंट्री कॉल्ड इंडिया. इवन देन वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, वी आर डिफरेंट क्लॉथ्स एंड वी यूज़ डिफरेंट कस्टम्स एंड ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स. इवन देन वी आर ऑल यूनाइटेड. हम लोग सभी एकजुट हैं एंड हम लोग टोटली मिलकर वी आर कॉल्ड इंडियन. हम लोग इंडियन कहलाते हैं एंड वी बिलोंग्स टू आवर कंट्री दैट इज़ कॉल्ड इंडिया. इंडिया इज़ आवर ग्रेट कंट्री. वी लव इंडिया. एवरी वन मस्ट फील प्राउड टू बी एन इंडियन फर्स्ट एंड देन अ गुजराती और अ पंजाबी और अ राजस्थानी. सो वट वी शुड डू. फर्स्ट वी शुड फील प्राउड टू बी एन इंडियन. हमें पहले अपने आप को इंडियन कहना है, ना कि गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी और बिहारी. ये आपको यू शुड फील प्राउड अबाउट योर कंट्री. यू शुड यू आर एन इंडियन. यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस. वी मस्ट रिस्पेक्ट वन अनदर एंड रिमेन यूनाइटेड एज इंडियन. सो वट वी हैव टू डू. वी मस्ट रिस्पेक्ट टू अनदर ऑल्सो. हमें दूसरों के भी आदर करनी है और उसके साथ साथ हमें यूनाइट होकर के रहना है. वी शुड यूनाइट एज ए इंडियन, ना कि हमें गुजराती, पंजाबी और राजस्थानी अलग अलग स्टेट में सोचना है. फर्स्ट वी आर इंडियन, देन वी आर गुजराती और राजस्थानी और बिहारी. सो नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. थैंक्स फॉर लिसनिंग. थैंक यू.